आज ऑफिशियली दीपराम मोथा के चेयरमैन होने के पोस्ट में रहकर आघोर देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी आईपीएफटी को चिट्ठी दे दिया है और मैंने क्लियरली कहा है मुझे पार्टी का नाम या पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दीपरा सा लोग आईपीएफटी और दीपरा मोथा को अगर एक पार्टी बनकर एक सिंबल में फाइट करेंगे, नाम जो भी हो हमको कोई चिंता नहीं है। तिपरासा लोग थानसा देखना चाहते हैं और इस बार अगर हमारा थानसा हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अपने लोगों को कुछ दे सकते हैं। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैंने चिट्ठी आघोर देव वर्मा को दिया है, वो आईपीएफटी के वर्किंग प्रेसिडेंट को देंगे और तब आईपीएफटी को सोचना पड़ेगा कि हमें आने वाले दिन में तिपरासा के संग काम करना है या अलग अलग होकर फाइट करना है या बीजेपी के संग फाइट करना है। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैक एंड वाइट में सबको दे दिया है। अब आईपीएफटी को विचार करना है कि वो बुबागरा के संग, तिपरासा के संग, सब लोगों के संग एक संग होकर फाइट करेंगे या उनका क्या थिंकिंग है वो डिसाइड करेंगे। मैं वही चाहता हूँ जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो, हमारे तिपरासा लोगों को, हमारे दोफा को कुछ मिले। और ये जो थानसा का कॉल है इससे कुछ लीडर लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक को लीडर से मतलब नहीं है। पब्लिक को अपना अधिकार चाहिए और हमको पहले अपना तिपरासा के बारे सोचना है, उसके बाद लीडर के बारे सोचना है। बेलाइनो हम बाई।